तो बिल्कुल ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वापस अपने आवास के लिए निकल चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, प्रधानमंत्री का काफिला अब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की गई और अब आगे की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले एनडीए की बैठक, एनडीए की बैठक के बाद सभी सांसदों की बैठक और सांसदों की बैठक के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर आगे की सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद जो 8 तारीख प्रस्तावित बताई जा रही है उस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। विजय संजीव के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो बिल्कुल ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वापस अपने आवास के लिए निकल चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा दे। प्रधानमंत्री का काफिला अब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की गई और अब आगे की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले एनडीए की बैठक, एनडीए की बैठक के बाद सभी सांसदों की बैठक और सांसदों की बैठक के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर आगे की सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद जो 8 तारीख प्रस्तावित बताई जा रही है उस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। विजय संजीव के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो बिल्कुल ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वापस अपने आवास के लिए निकल चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा दे। प्रधानमंत्री का काफिला अब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की गई और अब आगे की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले एनडीए की बैठक, एनडीए की बैठक के बाद सभी सांसदों की बैठक और सांसदों की बैठक के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर आगे की सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद जो 8 तारीख प्रस्तावित बताई जा रही है उस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। विजय संजीव के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।